महीना हुआ था शादी का, संपन्न परिवार से वो लड़की ससुराल आई थी। सब चेक करके शादी तय की थी। जिस घर में आई थी, घर भी संपन्न भी था, संस्कारी भी था। और उस घर में सुबह से लेकर शाम तक मांगने वाले, चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई साधर्मिक हो, चाहे साधु साध्वी हो, एवरेज यदि बोला जाता है तो दान के लिए वो घर की प्रसिद्धि थी। मगर जो बहू आई थी, उनके चेहरे पे देखने के बाद ससुर को लगा शी इज नॉट इंटरेस्टेड, उनको कोई रस नहीं है। और एक दिन ससुर को लगा कि ये बहू को प्रेम से कुछ बात करनी पड़ेगी। और एक दिन रात को बहू को बिठा दिया संपन्न परिवार में, सभी के बीच में, और बहू को ससुर ने प्रेम से एक बात बताई कि बहन एक बात समझ ले, अपने घर में कोई भी आता है वो आने के पीछे तीन राज है। नंबर एक, यदि कोई भी अपने घर में मांगने के लिए आए तो मे बी पॉसिबल उनके घर में इस चीज का अभाव होगा। अभाव, रोटी मांगने वाला आया तो रोटी का अभाव होगा, कपड़े मांगने के लिए आया तो मे बी पॉसिबल कपड़े का अभाव होगा, चाहे कुछ भी हो। मगर जो आदमी अपने घर में अभाव को लेकर के आता है और उनको पता है कि अपने घर में है, अपने घर में भी नहीं होता तो वो मांगने के लिए कोई आता नहीं, दैट मीन्स भी है। तो बहन, अभाव को लेकर के जो अपने घर में कोई आता है उनको ना बोलना उचित नहीं लगता है। बहू बहुत शालीन थी, ओपन माइंड थी, ससुर की बात उसने सुनी और बोला कि बहन कैसा लगता है, नहीं पापा आपकी बात सही है। अभी बहन दूसरी बात सुन ले, सब लोग अभाव से नहीं आते, कई लोग अपने प्रभाव से भी आते। प्रभाव अभाव नहीं है, मगर प्रभाव, 12 करोड़ की गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, ब्रांडेड कपड़े हैं, बड़ी अच्छी है और समाज में एक नाम है, तो उनको लगता है कि ये इतना प्रभावशाली आदमी उनके घर जाएंगे तो मिल जाएगा। ये कोरोना का माहौल है, हजारों साधवी को मेन डिस्टर्ब है, तो आपका बंगला आपकी गाड़ी देखने के बाद कोई आएगा कि भाई इनकम बंदे मध्यम मिडिल क्लास की और आप कुछ कॉपरेट करो, तो अपने अभाव को नहीं प्रभाव को लेकर के आता है। तो प्रभाव को लेकर जो आता है उनकी भी तो अपनी भी तो गुडविल है। और एक बात तो समझ लेना, अच्छे कपड़े तो जेब भी तो अच्छा चाहिए। तो नंबर दो, कोई प्रभाव से आता है, कोई अभाव से आता है, और बहन कोई अपने स्वभाव को देख करके आता है। क्या स्वभाव नेचर लेकर के बैठा है, तारे द्वारे आवे लोग कोई खाली हाथे जाए ना, उनके घर जाओ नेचर इतना जबरदस्त लेकर के बैठा है, आप एक बार चले जाओ, दावा के साथ कहना चाहता हूं उनसे आपको कभी असंतुष्टि नहीं होगी। बहन अभी तुझे इस घर में आए 6 महीना हुआ है, मैं बरसों से इस घर में रहा हूं, मेरे पिताजी ने मुझे वही तो संस्कार दिए और वही संस्कार की विरासत तुझे भी तो आगे चलानी है। जिंदगी में सूत्र याद रखना, अपने घर पे तब ही कोई आता है, या अभाव या प्रभाव या तो स्वभाव। तो बहन कभी किसी को वापिस मत भेजना, ससुर का ये कहना और बहू की आंख में आंसू थे। पप्पा आज से कभी भी आपको कहना नहीं पड़ेगा, इस घर में जो भी आया 100% मेरे हाथ से उनको कुछ न कुछ तो मिल के ही जाएगा।